अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है KMC हेल्थ सिटी एंड KMC कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। शराब के लिए अभी तक लंबी लंबी लाइन में लगना पड़ता था, या फिर यह डर और आशंका रहती थी कोई पड़ोसी देख तो नहीं रहा। अब यह परेशानी जल्द ही दूर होने वाली है। सरकार ने ई कॉमर्स कंपनी Amazon को बियर व वाइन ऑनलाइन प्रोवाइड करने की अनुमति दे दी है। यह अनुमति फिलहाल बंगाल सरकार की तरफ से दी गई है। उम्मीद की जा रही है कि बंगाल सरकार की देखा देखी अब अन्य राज्यों की सरकारें भी इसकी अनुमति दे सकती हैं। इस खबर के बाद एकाएक ही गला तर करने वालों में खुशी की लहर देखी गई थी। दरअसल लॉकडाउन की वजह से शराब की बिक्री नहीं हो पाई, जिस कारण सरकार को भारी राजस्व नुकसान उठाना पड़ा था। इस नुकसान को देखते हुए ही देश के कई राज्य की सरकारों ने भले ही मंदिर, मस्जिद व अन्य धार्मिक स्थल न खोले हों, लेकिन शराब के ठेके अवश्य खोल दिए थे। 3 माह तक गला सूखा रहा और मिल भी पाई तो औने पौने दामों पर। लिहाजा शराब की दुकानों व ठेकों पर कोरोना प्रोटोकॉल के सारे नियम कायदे कानून हवा हो गए। शराब के ठेके व दुकानों पर लंबी लंबी लाइन देखी गई। हालांकि राजस्व के नाम पर दी गई इस छूट पर सरकार को खासी किरकिरे का सामना भी करना पड़ा। दिल्ली सरकार ने मौके का फायदा उठाते हुए शराब पर 75% अधिक टैक्स वसूला। करीब 9 करोड़ की आबादी वाला पश्चिमी बंगाल सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य है। पश्चिमी बंगाल ने Amazon के साथ MOU पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।